अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ऑल कैविटी एंड थ्रोट एग्जामिनेशन। जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं हमारे वार्ड में, ओपीडी में या फिर ओटी में, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं याद करना, वो हम आज करेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास है टंग डिप्रेसर। टंग डिप्रेसर जो यूज़ होता है ना, वो हम यूज़ करते होते हैं ऑल कैविटी को एग्जामिन करने के लिए। सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, ये सबको आता होगा। फिर वही है, ये देखें, बस ये बात याद रखनी है कि इसके एक साइड पर थोड़ा सा ये हुक टाइप होगा, तो वो जो हुक टाइप होगा ये थोड़ा सा नीचे से कर्व्ड होगा, वो हम उसको पिक करेंगे, ठीक है। और जो स्ट्रेट पार्ट होगा उससे हम टंग को डिप्रेस करेंगे और इससे हम ऑल कैविटी की एग्जामिनेशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है बॉयल डेविस माउथ गैग। इसको यूज़ करते होते हैं ओटी के अंदर। ये हम यूज़ करते हैं माउथ को वाइड ओपन करने के लिए, अगर हम कोई टॉन्सिल्स की सर्जरी कर रहे हैं या फिर कोई भी माउथ की सर्जरी है, ऑल कैविटी की सर्जरी है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते होते हैं। ये डी शेप का है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे वार्ड में इस तरह से पड़ा होता है, इसको याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टीरियर एनोस्कोपिक मिरर। ये एक एंगुलेटेड होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारे पास पोस्टीरियर लेंजोस्कोपिक मिरर होता है, ये उससे बिल्कुल रिजेंबल कर रहा होता है। लेकिन याद इसको इस तरह रखना है कि ये एंगुलेटेड होता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते होते हैं पोस्टीरियर नेसोफेरियंस को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, और हम इनडायरेक्टली एग्जामिन कर रहे होते हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और मिरर से आप कोई आपके पीछे कोई चीज़ पड़ी है, आप उसे देख रहे हैं, तो आप मिरर से देख रहे हैं, नॉट डायरेक्टली नहीं देख रहे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम इस मिरर को यूज़ करके हम इनडायरेक्टली नेसोफेरियंस को देख रहे होते हैं। अब हम नेसोफेरियंस को देखेंगे, लेकिन इसको हम कहाँ डालेंगे, हम बाय माउथ से, ठीक है। माउथ में हम सबसे पहले टंग डिप्रेसर से डिप्रेस कर लेंगे टंग को, और इसका जो मिरर होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। अपवर्ड करके हमने बिल्कुल हमने टंग डिप्रेसर के साथ साथ इसको ले जाना है पोस्टीरियरली, और ले जाने के बाद बिल्कुल एंड पे जाके हमने इसको पोस्टीरियर वॉल जो है हमारी फेरेंस की, उसे टच नहीं करना, क्योंकि फिर माउथ आपको है ना गैग रिफ्लेक्स आ सकता है पेशेंट को। आपने बिल्कुल इसको स्ट्रेट आराम से पीछे ले जाना है, और आपने चेक करना है पोस्टीरियर नेसोफेरियंस में जो जो स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं इसके अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ जो ये है, इसको यूज़ करने से पहले हमने इसको थोड़ा सा वार्म अप करना होता है, ठीक है। और वार्म अप करने का तरीका ये है, ये आपसे वाइवा में पूछते होते हैं कि आपने वार्म अप जो करना है इसको, ये करना है मिरर वाली साइड से। आपके ढिंगरा में पिक्चर बनी हुई है, वहाँ पर उसको वार्म अप किया हुआ है, ठीक है, आप वो भी दे सकते हैं। तो वहाँ से वार्म अप करके थोड़ा सा फिर आपने इसको हैंड पे टच करना है अपने, ठीक है, उल्टे हाथ पे टच करने के बाद भी, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये हम इस तरह से इसको पोस्टीरियरली ले जाते हैं। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें नज़र आएंगे इसके अंदर, तो पीछे जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं नेसोफेरियंस में, कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे वो आपको बताइए है कि हमारे पास जो नेजल सेप्टम हो गई, ठीक है, उसके अलावा सुपीरियर मिडल इन्फीरियर टर्बिनेट्स में नज़र आ रहे होते हैं हमें, ट्यूबल एलिवेशंस नज़र आ रही होती हैं, एडिनोइड्स नज़र आ रहे होते हैं, यूवेला नज़र आ रही होती है, और सॉफ्ट पैलेट नज़र आ रहा होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें इस पोस्टीरियर रेनोस्कोपिक मिरर से। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपिक मिरर। ये देखें बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मिरर, लेकिन बात ये याद रखनी है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एंगुलेटेड नहीं होता। और इसका जो मिरर होगा, हम इसको हमने जब यूज़ किया था पोस्टीरियर रेनोस्कोपिक मिरर, तो उसका जो मिरर था वो हमने अपवर्ड रखा था, इसके मिरर को हम डाउनवर्ड रखेंगे। अब डाउनवर्ड रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसको टंग के साथ साथ नहीं ले जा सकते, टंग से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करके इसको बैक साइड पर ले जाना। तो टंग को हम क्या करेंगे, टंग को हम टंग डिप्रेसर से हम नहीं करेंगे, बल्कि इस बार हमने गाज यूज़ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हम गाज देंगे एक पीस, और लेने के बाद उस पेशेंट की हमने टंग पकड़ लेनी है, ठीक है। पकड़ने के बाद थोड़ा सा उसको मतलब उसे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता जो लेंजोस्कोपिक मिरर है पोस्टीरियर ले जाना है, और हमने पोस्टीरियर जाके इससे हमने लेरिंग्स की एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स की। ये हमारे पास इस तरह से लेके जाना होता है, और नीचे से हमें जो लेरिंग्स वाला पार्ट होता है वो हमें नज़र आ जाता है। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, ये आपकी ढिंगरा पिक्चर बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें जो स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली नज़र आते हैं वो है बेस ऑफ टंग और वेलिकुला। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना स्ट्रक्चर हमें नज़र आ सकते हैं, ठीक है, आते हैं। इसके अलावा एपिग्लोटस और हमारे पास एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, ये भी कुछ कुछ नज़र आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन नज़र आते हैं। तो इस डायग्राम में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी हमें इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपिक मिरर से नज़र आती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ये है डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप। अब हम जब पोस्ट लेरिंगोस्कोपिक मिरर यूज़ करते हैं वो हम ओपीडी में मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एग्जामिन करने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत से पार्ट्स हैं जो कि हमें उससे क्लियर नहीं हो रहे होते, उसके लिए हमें डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप यूज़ करना होता है। अब ये डायरेक्ट विजुलाइजेशन होती है लेरिंग्स की, हाइपोफेरेंस की, और मोस्टली हम इसको ओटी में यूज़ करते हैं, साथ हम इसके एनेस्थीसिया करने के बाद ही इसको यूज़ करते होते हैं। ये यूज़ होता है कि हमने ना लेरिंग्स के जो हिडन एरियाज़ है ना, उसको हमने देखना होता है। अब हिडन एरियाज़ कौन कौन से होते हैं? इंफ्राहाइड एपिग्लोटिस, इंटीरियर कमिश्यर हो गया, और सबग्लोटिक एरिया, और वेंट्रिकल्स वगैरह। ये चार एरियाज़ जो होते हैं ये हिडन होते हैं, जो कि हमें लेरिंगोस्कोपिक मिरर से नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए हम डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप यूज़ करते होते हैं। ये फिर वही लेरिंगोस्कोप ही है आपके पास, ये भी वही स्ट्रक्चर है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको इंसर्ट करते हैं माउथ के अंदर और हम डायरेक्ट विजुलाइजेशन कर लेते हैं इसकी। ये आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप या फाइब्रोप्टिक लेरिंगोस्कोप। इसे भी हम विजुलाइजेशन करते होते हैं, लेकिन ये ओएसपी में इतने नहीं आती। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट जो टॉन्सिल्स की सर्जरी के लिए यूज़ होते हैं, वो सारे हम करेंगे। ये सबसे पहले हमारे पास टॉन्सिल स्नेयर। टॉन्सिल स्नेयर जो है, इसको आपने याद ऐसे रखना है कि इसके जो ना बैक साइड पे 3 सर्कल्स होंगे, ठीक है। 3 सर्कल्स के साथ साथ इसके एंटीरियर साइड पे एक हमें पतली सी इस तरह से वायर से नज़र आ रही होती है। ये वायर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर हमने अपने टॉन्सिल्स के डाल के उसके बाद पीछे से प्रेशर पुट करना होता है, तो वो आराम से टॉन्सिल्स जो हैं वो कट हो जाते हैं, डायसेक्ट हो जाते हैं वहाँ से, और इससे ब्लीडिंग भी बहुत कम होती है, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए अच्छा प्रोसीजर होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये हमने पहले पढ़ा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमें यूज़ होता है नेज़ल स्नेयर, ठीक है, मतलब नेज़ल की पॉलिप वगैरह रिमूव करने के लिए। अब इसको और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करने हैं, हमने तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास टॉन्सिल स्नेयर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट होने के साथ साथ जो इसका पहले वाला सर्कल होता है ना, उसके साथ एक स्ट्रेट सा पार्ट है, जबकि आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये तो थोड़ा सा एंगुलेटेड है, ठीक है, और लास्ट में जो इसका सर्कल है, सर्कल साथ कुछ इतना अटैच नहीं है जिस तरह से हमारे पास स्नेयर के टॉन्सिल स्नेयर के साथ अटैच है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है टॉन्सिल डायसेक्टर, एंटीरियर पिलर डिट्रैक्टर। अब ये डिफ्रेंशिएट करने के नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास है पिलर रिट्रैक्टर। इससे हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास टॉन्सिल्स के पिलर्स होते हैं उनको हम रिट्रैक्ट करके हम देख रहे होते हैं कि टॉन्सिल्स का साइज़ क्या है, वो कितने इन्फ्लेम्ड हैं, रेड हैं, कंजेस्टेड तो नहीं है, या कोई पस तो नहीं बनी हुई, तो ये हम रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं। अपने आप फिंगर्स को क्लोज करके, ठीक है, हाफ क्लोज करें आपको हैंड को, तो आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल इस तरह से ये पिलर रिट्रैक्टर होता है। ये देखिए, ये इसका एंड जो होता है वो इस तरह से कर्व्ड होता है रिट्रैक्टर का, ये फिर से वही है। ये हमारे पास है टॉन्सिल डायसेक्टर, ये हम इसे डायसेक्ट करते होते हैं टॉन्सिल को, तो इसकी एंड पे जो है ना वो हमारे पास स्ट्राइएशंस बनी होती हैं, छोटी छोटी सी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेप है, जैसे मैंने आपको नेज़ल के बहुत से हमने फोर्सेप पढ़े थे, अगर आपको मिक्स होता है वहाँ से, तो ये बात याद रखनी है कि इसके एंड पे होल्स होते हैं। होल्स भी याद नहीं रहते अगर, तो ये बात याद रखनी है कि ये पोस्टीरियर से ओपन होता है, और ओपन ये किस तरह से होता है कि ये इसकी जो ओपनिंग होती है, जिसकी शैंक्स की ओपनिंग होती है, वो बहुत आगे तक, जहाँ जैसे ये कर्व्ड हो गया, इसकी एंगल हो गया, एंगल से आगे तक ये ओपन है। तो इसको याद रखने का यही तरीका है कि इसके आगे ओपनिंग होंगी और ओपनिंग के बाद पीछे से ये ओपन होगा, एंगल से भी आगे तक ओपन होगा। तो इसे हम यूज़ करते होते हैं टॉन्सिल को होल्ड करने के लिए सर्जरी के दौरान, या इसको हम डायसेक्ट करने के लिए, ठीक है, खींचने के लिए स्नेयर के साथ हम उसको काट रहे होते हैं और इसे हम पकड़ के बाहर निकाल रहे होते हैं उसको। ये फिर से वही है, मैंने आप नेट की पिक्चर ली है ये, तो इससे हम क्या करते होते हैं टॉन्सिल्स को होल्ड करते होते हैं। ये वही पिक्चर है, इसको क्लोज करने के बाद भी ये पोस्टीरियर से काफ़ी ओपन रहता है। ये हमारे पास सिंपल रिट्रैक्टर हैं जो कि यूज़ करते होते हैं सर्जरी के अंदर, ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रक्चर आपने रिट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडेनोइड क्यूरेट, एडेनोइड क्यूरेट विद गार्ड। ये हम यूज़ करते होते हैं एडेनोइड की सर्जरी के दौरान, कि एडेनोइड जब हम नेजोफेरिंक्स से निकाल रहे होते हैं उसको, ठीक है, उसके साथ साथ हमने इसको एक तो डायसेक्ट करना है, डायसेक्ट करने के बाद पकड़ के बाहर निकालना है, तो इसके साथ गार्ड भी होता है ताकि हमारे पास जो टॉन्सिल्स हैं वो ड्रॉप ना हो, ठीक है। ये हमारे पास एडेनोइड क्यूरेट है, तो आपने इसको याद रख लेना कि ये रेक्टेंगुलर एक पार्ट है और रेक्टेंगुलर पार्ट के बाद ये थोड़ा सा कर्व्ड है।
नेक्स्ट हमारे पास है आर्टरी फोर्सेप्स। तो हमने आर्टरी को जब हम ऑपरेट वगैरह कर रहे होते हैं तब कोई भी आर्टरी जो होती है वो लीक करना शुरू कर देती है, ब्लीड करना शुरू कर देती है। तो उसको हमने क्या करना है कि आर्टरी को हमने क्लोज करने के लिए हमने आर्टरी फोर्सेप्स रखे होते हैं। आर्टरी फोर्सेप्स जो होते हैं उसके पीछे हमेशा है ना बकल होता है, बकल मेन के पीछे लॉक लगा होता है। और इसके जो आगे हमारे पास जॉज होते हैं वो तीखे नहीं होते जैसे हमारे पास सिंपल सीजर के होते हैं, बल्कि ये थोड़े से चौड़े से होते हैं कि हमने वेसल को काटना नहीं होता बल्कि इसको क्लोज़ करना होता है। ठीक है, तो पीछे बकल भी होगा, आगे से हम इसको खोल के भी दे सकते हैं। ये बात याद रखनी है कि अगर आपको ओएसपी में कोई भी सीज़र की समझ नहीं आ रही पड़ा हुआ है तो आप उसको लाजमी खोल के या हाथ में पकड़ के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि ये कौन सा सीज़र है। ये देखें, ये वही फिर आर्टी स्ट्रेट आर्टी फोर्सेप है, ये स्ट्रेट आर्टी फोर्सेप है। ये देखिए, ये सामने साथ दिखाई डायग्राम के साथ ही कि इसके जो एंड होते हैं वो इस तरह से कट करने के लिए नहीं होते बल्कि स्ट्रेट होते हैं। उसके बाद ये भी स्ट्रेट आर्टी फोर्सेप है, ये आपको मिलेगी बिल्कुल वैसे ही है लेकिन आगे से थोड़ी सी कर्व्ड है, तो हम इसे कहेंगे कर्व्ड आर्टी फोर्सेप। ये हम तब यूज़ करते हैं जैसे हम टॉन्सिल्स की अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं और कोई भी वेसल्स जो है वो थोड़ी सी साइड पे है और हमारी अप्रोच नहीं हो रही स्ट्रेट आर्टरी से, तो फिर हम कर्व्ड यूज़ करते होते हैं ताकि हम उस ब्लीडिंग पॉइंट को रोक सकें वहाँ पर। और इसके पीछे भी बकल यूज़ होता है, ये देखें फिर वही कर्व्ड आर्टरी है, ये भी आपके पास कर्व्ड है। और ये बात याद रखनी है कि आपके पास एक होती है नीगस फोर्सेप। नीगस फोर्सेप और कर्व जो है ना वो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि किस तरह से हम इसे रेगनाइज करेंगे, लेकिन नीगस की जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंड जो है ना वो बिल्कुल आगे से कर्व्ड है, बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, जबकि जो दूसरी कर्व्ड की सिंपल कर्व्ड है वो फुल कर्व्ड नहीं है, वो थोड़ी सी कर्व्ड है। ये हमारे पास स्ट्रेट है, ये आपके पास है नीगस फोर्सेप। जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा कर्व्ड होता है, जबकि कर्व्ड जो खुद कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है वो इतना ज़्यादा कर्व्ड नहीं होता, नीगस ज़्यादा कर्व्ड होता है। ये हम तब यूज़ करते होते हैं कि जब हम टॉन्सिल्स की अगर सर्जरी कर रहे हैं और हमें कोई ब्लीडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही साइड पे है, बहुत ही अंदर की तरफ है, तब हम नीगस फोर्सेप यूज़ करके उसको हम वहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। ये हमारे पास है बीपी हैंडल, बार पार्कर हैंडल। ठीक है, इसे हम यूज़ करते होते हैं कोई भी ब्लेड लगा के कहीं पर कट वगैरह ऑपरेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टूथ फोर्सेप। टूथ फोर्सेप का मतलब ये नहीं है कि हमने इसे टीथ के लिए यूज़ करना है, बल्कि हम इसका नाम इसलिए देते हैं कि इसके एंड पे जो है ना हमारे छोटे छोटे से टूथ टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, ताकि हम किसी टिश्यू को अगर हमने निकालना है, छोटे छोटे टिश्यूज़ को ऑपरेशन के दौरान साइड पे करना है, तब हम टूथ फोर्सेप को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास टूथ फोर्सेप है, इसके दो भी आगे से दांत मतलब टूथ हो सकते हैं या फिर मल्टीपल थ्री भी हो सकते हैं। हमने बस इसके एंड पे देखना है कि ये प्लेन तो नहीं है, अगर प्लेन होगा तो हम कहेंगे प्लेन, और अगर ये हमारे पास टूथ फोर्सेप मतलब इसके अगर आगे से टूथ होंगे तो हम कहेंगे टूथ फोर्सेप। नेक्स्ट हमारे पास है बीपी हैंडल वही, उसके बाद हमारे पास टूथ फोर्सेप जो हमारे वॉर्ड में पड़ा होता है वो दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास ये है सेम कहते हैं, ये बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है और इसके एंड पे बड़े बड़े से होल्स होते हैं और ये काफ़ी एंगुलेटेड सा होता है, इसे हम कहते हैं मीगल्स फोर्सेप। ये देखें, ये मीगल्स फोर्सेप होता है, आपको तकरीबन सीजर में से मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सीजर जो होता है ना वो यही है, इसे मीगल्स फोर्सेप कहते हैं। इसकी इंडिकेशन यही है कि अगर हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हैं या अगर हमने कोई फॉरेन बॉडी रिमूव करनी है या फिर कोई ऐसी चीज़ स्ट्रक्चर जो है हमसे बहुत अप्रोच से बहुत ज़्यादा दूर है तो उसे रिमूव करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेकियल डायलेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि मतलब ओएसपी में तकरीबन ऑलमोस्ट आता ही आता है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना क्लियर नेज़ल स्पेकुलम के साथ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये वैसा ही है लेकिन वैसा नहीं है। उसमें एक तो हमारे पास होल्डिंग के लिए सर्कल नहीं थे, सेकेंड ये कि हम जब इसको ओपन करते हैं तो ये थ्री में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें अगर हम इसको ओपन करेंगे पकड़ के तो ये थ्री आगे से इसके जो होंगे वो थ्री हो जाएंगे और ये जो ना ओपन होगा इस तरह से, जबकि क्लियर नेज़ल स्पेकुलम के अंदर आगे उसके एंड जो थे वो थोड़े ब्रॉड से थे, कर्व्ड से थे। ठीक है, ताकि हम उसे नोज को ओपन कर सकें, लेकिन इसे हम यूज़ करते होते हैं ट्रेकिया को डायलेट करने के लिए। कौन सी ट्रेकिया डायलेट करने के लिए, हम जब ट्रेकियोस्टमी कर रहे होते हैं, हमने एंटीरियरली ओपनिंग की होती है, ओपनिंग करने के बाद हमने उसके अंदर इंसर्ट करनी होती है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, तो उस ओपनिंग को खुला रखने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि ताकि हम उसे ओपनिंग को खोल के फिर हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब अपनी डाल दें, तो ये तब यूज़ होता है। तो ये देखें, ट्रेकियल डायरेक्टर अगर हम अपोजिट साइड से देखें तो इस तरह से ही ओपनिंग होगा। तो आपने जब भी ओएसपी में जाना है, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, सीजर पड़ा है और आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसे ओपन करके ज़रूर देख लें।
आगे हमारे पास है, ये हमारे पास ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप जो यूज़ करते होते हैं हम, इसकी नेक्स्ट मैं डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है, बिल्कुल ऐसा ही हमें एसोफेगोस्कोप लग रहा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट सा लंबा सा ऐसा ही होता है। लेकिन से हमने कैसे पहचानना है कि इसके एंड पे दो होल्स होते हैं, इन होल से हम पहचानते हैं कि ये हमारे पास ब्रोंकोस्कोप है, क्योंकि ताकि हम जब इसकी जो इंडिकेशन है वही है कि डायग्नोस्टिक भी है थेरापीटिक भी है, कि कोई भी हमें ब्रोंकोस्कोप के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है या ब्रोंकस के अंदर कोई और प्रॉब्लम है या कोई ट्यूमर है हमने उसे डायग्नोस करने के लिए, या फिर अगर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है तो उसे रिमूव करने के लिए, तो इसकी इंडिकेशन जो है ना वो हमारे पास डायग्नोस्टिक भी होती हैं और थेरापीटिक भी होती हैं। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर लग रहा है लंबा सा, लेकिन इसको ये इसोफेगोस्कोप है, ठीक है। इसोफेगोस्कोप के अंदर जो कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, इसकी भी इंडिकेशन सेम वैसी ही है कि डायग्नोस्टिक भी होती है और हमारे पास थेरेप्यूटिक इंडिकेशन भी होती है इसकी। हमने फॉरेन बॉडी रिमूव करनी होती है या फिर अगर कोई कोई स्ट्रक्चर बन गया है इसोफेगोस्कोप के अंदर तो हमने उसको रिमूव करना होता है। और लेकिन इसको याद रखने का तरीका सिर्फ यही है कि इसके एंड पे कोई होल्स नहीं होते, और इसके अलावा इसका जो एंड होता है वो थोड़ा थोड़ा सा थिक सा होता है। ये फिर हमारे पास एक सिफेगोस्कोप है। नेक्स्ट हमारे पास है योंकर सेक्शन ट्यूब। योंकर सेक्शन ट्यूब जो ना हम यूज़ करते होते हैं कि मतलब अगर हम सर्जरी कर रहे हैं और सेक्रीशंस वगैरह को सक करने के लिए हम इसे यूज़ करते होते हैं योंकर। उसके बाद ये हमारे पास सिंपल सेक्शन ट्यूब है। ये हमारे पास सक्शन ट्यूब है जो कि हम लेरिंग्स की या थ्रोट की कोई भी हम अगर सर्जरी वगैरह कर रहे हैं तो इसे हम सक कर सकते हैं, क्योंकि इसका एंड जो है वो काफ़ी लंबा सा है। ये भी हमारे पास सक्शन ट्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास, ये हमारे पास ढिंगरा की पिक्चर्स हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको मैंने कौन कौन से आपको कराए हैं और कौन सी जो सिर्फ डायग्राम करनी है। सबसे पहले पड़ा है हमारे पास बॉल्स टेविस माउथ गैग, जो कि मैं करा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट माउथ गैग है, उससे भी उसके बाद भी नवाद गया है, लेकिन हमारे बोर्ड में जो पड़ा होता है वो फर्स्ट वाला पड़ा होता है। उसके बाद आप आ जाएँ फिफ्थ वन पे, टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप। ये मैंने बता दिया आपको कि टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप के एंड पे होल्स होते हैं और पीछे से ये काफ़ी ओपन होता है। उसके बाद टॉन्सिल डायसेक्शन फोर्सेप विद टीथ या टूथ फोर्सेप भी कहते हैं इसको, ये भी करा दिया। आगे हमारे पास योंकर सेक्शन ट्यूब हम सक करने के लिए यूज़ करते होते हैं। उसके बाद टॉन्सिल डायसेक्टर एंड एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर, तो हमने डायसेक्ट करने के लिए उसके ऊपर स्ट्राइशंस ही होती हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है पिलर रिट्रैक्टर होता है। नेक्स्ट जो करा दिए हैं मैंने वो हैं टॉन्सिल आर्टरी फोर्सेप की, जो स्ट्रेट है और फिर कर्व्ड है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो निगस आर्टरी फोर्सेप है, जो थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड होती है। उसके बाद हमारे पास है निगस नोट टायर, जो कि मैंने नहीं कराया, आपने इंस्टाग्राम से कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारे पास है इवर्स टॉन्सिल स्नियर, तो ये टॉन्सिल स्नियर जो है हमने कहा था कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है और इसके एंड पे एक स्ट्रक्चर सा मतलब कर्व्ड सा सी शेप स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद है पेरिटॉन्सिल अब्सिस फोर्सेप, इसकी भी डायग्राम नहीं थी मेरे पास, पिक्चर नहीं थी मेरे पास वार्ड की, तो आपने याद कर लेना यहीं से कि ये सीजर यूज़ होता है पेरिटॉन्सिल अब्सिस को डायसेक्ट करके हम रिमूव करना होता है उसको। उसके बाद हमारे पास होते हैं थॉमसन एडिनॉइड कैरेट विद गॉड, ये भी करा दिया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये है ट्रेकल हुक। ये ट्रेकल हुक है, एक ब्लंट है और एक शार्प है। आपने ऐसे याद रखना है कि जब ब्लंट हम यूज़ करते होते हैं इसको, हम थायरॉयड इस्थमस को जब हम ट्रेकियोस्टोमी कर रहे होते हैं, थायरॉयड इस्थमस को ऊपर ये नीचे साइड पे करने के लिए हम यूज़ करते होते हैं, जबकि ब्लंट जो होता है हम ट्रेकिया को फिक्स करने के लिए यूज़ करते होते हैं। वैसे हम अपने थंब से भी उसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ओटी में तो हर चीज़ अवेलेबल होती है, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको वहाँ पे। आगे ट्रेकल डायलेटर, जो कि बता चुकी मैं आपको कि आगे से ओपन होगा, पीछे से इसके सर्कल टाइप होल्डिंग होंगे, होल्डर्स होंगे। उसके बाद है लेंजोस्कोप। लेंजोस्कोप की डायग्राम अपने यहाँ से कर लेनी है, मैं पिक्चर ऐड करना भूल गई हूँ, आपने लेंजोस्कोप कर लेना यहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट जो है ना हमारे वार्ड में होता है, और इसकी इंडिकेशन भी तकरीबन वही है कि हमने लेंगोस्कोप से हमने लेरिंग्स को देखना होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है और थेरापीटिक भी होता है। नेक्स्ट जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, चार पांच इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, मैं बता देती हूँ आपको। सबसे जो फर्स्ट पे पड़ा है वो लेंगोस्कोप है, मैंने बता दिया आपको। सेकंड चेस्ट स्पॉट है, वो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर थर्ड जो हमारे पास है ये पड़ा हुआ है, सेक्शन टिप पड़ी हुई है। फोर्थ पे फाइब्रोटिक कॉर्ड पड़ा हुआ है, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे देखें, इसोफेगोस्कोप है और ब्रोंकोस्कोप, दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन इस ब्रोंकोस्कोप के एंड पे जो होती है ना हमारे पास वो ओपनिंग्स होती हैं, जबकि इसोफेगोस्कोप के ऊपर नहीं होती। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सबको। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं ईयर के इंस्ट्रूमेंट कराऊंगी।